नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं काले चने की सब्जी बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊंगी। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं काले चने की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और हम इसके साथ बनाएंगे घी फ्राई जीरा राइस, जिसे हम सर्व कर सकते हैं काले चने के साथ। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, काले चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम काला चना लिया है। आप क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काला चना को हम पहले भिंगो के रखेंगे। भिंगोने से पहले हमें इसे धोना है 3 से 4 पानी से। हाथों से मसल मसल के आप इसको इस तरीके से धोएं ताकि इसका ऊपर का जो भी डस्ट है वो निकल जाए, क्योंकि हमें इसी पानी में इसे बॉईल करना है काले चने को। तो देखिए, मैंने धो दिया यहाँ पे। अब इसमें हम पानी डालेंगे और चने को ढक के रख देंगे फूलने के लिए। कम से कम काले चने को फुलाएं 8 घंटे। अगर आपको मॉर्निंग में बनाना है तो आप इवनिंग में फुला सकते हैं काले चने को, और फिर आप मॉर्निंग में बना सकते हैं। या फिर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो आप काले चने को गर्म पानी में 1 घंटे पहले भिंगोने के लिए रख दें तो ये फूल जाएगा। फुला के चना अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी पक जाता है। बॉईल होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर हम चने को पहले भिंगो के रखते हैं तो भिंगो के चना रखिए तो चना बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसको काले चने को हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, 1 तेजपत्ता डाला है फ्लेवर के लिए, 4 से 5 मैंने लौंग डाल दिया है, 1 और 2 से 3 मैंने हरी मिर्च कट करके डाल दिया है, 2 दालचीनी के मैंने टुकड़े डाले हैं जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है क्योंकि पानी कुकर से बाहर नहीं आएगा और चने भी काफ़ी अच्छे से उबल जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। उसके बाद कुकर को आपको बंद कर देना है और कुकर के सीटी हमको हाई फ्लेम पे 1 लगाना है। बाकी आपको 20 से 25 मिनट का आपको चने को पकाना है स्लो फ्लेम पे। तो देखिए, चना बॉईल हो रहा है। जब तक हम यहाँ पे मसाले की तैयारी कर लेते हैं, तो हमने 2 बड़े साइज का प्याज ले लिया है और 2 टमाटर लिया है। प्याज को रफली चॉप कर लेना है। उसके बाद मिक्सी जार में इसको डाल दें और एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लें। ये देखिए, इस तरीके से आपको डालना है मिक्सी जार में। इसका पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे और निकाल के हम इसे अलग रख लेंगे। फिर इसी जार में हमें टमाटर भी डालना है। टमाटर को हमें एक अच्छा सा प्योरी बना लेना है टमाटर का। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में टमाटर डाल दिया है और यहाँ पे हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे टमाटर का। ये देखिए, इस तरीके से आपको पीस लेना है टमाटर को रफली चॉप करके। तो ये देखिए, पेस्ट बन चुका है। टमाटर और प्याज दोनों का पेस्ट बन चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हरी मिर्च और लहसुन को कूट लेते हैं। आप चाहे तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कूट के डालेंगे ना तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से अगर आप कूट के डालते हैं लहसुन और हरी मिर्च को। तो आप चाहें तो इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में अदरक नहीं खाते कोई, तो हमने अदरक को मिक्स कर दिया है, नहीं डाला है। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमने एक बॉल ले लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हो जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी में मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे मसाला अच्छे से फूल जाए। तो आइए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हमने 1/2 चम्मच से 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। तेल अच्छे से देखिए गर्म हो चुका है। हम इसमें 1 चम्मच जीरा का फोरन डालेंगे। ये देखिए, जीरा का फोरन डाला है। अब इसमें हमने जो प्याज को पेस्ट बनाकर रखा था ना, हम तेल के अंदर डाल देंगे जिससे हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा। प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है स्लो फ्लेम पे। आप चाहो तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे भी कर सकते हो, पर स्लो फ्लेम पे आप करेंगे ना तो प्याज जलेगा नहीं, क्योंकि हमने प्याज का पेस्ट बनाया है तो हमें स्लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज को, थोड़ा ही सा पकाना है। अगर ज़्यादा पकाएंगे ना तो इसमें कड़वा सा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमने इसमें लहसुन और जो हरी मिर्च का पेस्ट कूट के रखा था ना, हमने बना के रखा था, हमने वो भी डाल दिया है। अब थोड़ा सा हमें लहसुन को भी पकाना है प्याज के साथ, ताकि हमारा कच्चा ना आए लहसुन का। तो लहसुन को अच्छे से पकाएं प्याज के साथ। अच्छे से जब पक जाए प्याज और लहसुन, तो हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो हमने बना के रखा था। ये देखिए, हमने यहाँ पे मसाला जो हमने बना के रखा था, हमने मसाला डाला है। पहले हम मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। मसाले को इतना फ्राई करना है ताकि मसाला बिल्कुल दरदरा सा हो जाए और तेल इसका सेपरेट होने लग जाए। तब तक हमें मसाले को अच्छे से फ्राई करना है इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। आप सेम इस तरीके से करिए ताकि आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस तरीके से आपको देखिए फ्राई करना है। देखिए, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब हमने इसमें जो टमाटर हमने पीस के रखा था, पेस्ट बना के रखा था टमाटर का, हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे।
और इसे हम अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से टमाटर पक जाए और इसमें अच्छे से मसाला भी फ्राई हो जाए। देखिए इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से अगर आपको फ्राई करना है मसाले को, ये देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है। अब इस तरीके से फ्राई करना है। आइए हम छोलों को चेक कर लेते हैं पका है या नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुकर को ओपन कर दिया था। कुकर का आपको सीटी नहीं निकालना है, जब तक आपका ये खुद सीटी निकल जाए इसका, उसके बाद आपको कुकर को ओपन करना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ओपन किया था और छोले देखिए काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, पक गया है। तो हम यहाँ पर छोलों को ना थोड़ा सा मसाला में डालेंगे। कई लोग होते हैं मिक्सी में पीस के डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे ना तो इसकी ग्रेवी बहुत थिकनेस बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमें पीसना नहीं है, हमें इसको कढ़ाई में डाल के करछी की हेल्प से हमें मैसना है, मिस मिस करके मसालों में अच्छे से फ्राई करना है। हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे से इस तरीके से फ्राई करेंगे। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी और काफ़ी थिक थिक सी बनेगी। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल मिस दिया है मैंने चने को मसाले में और काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है और चना और मसाला दोनों अच्छे से फ्राई हो चुका है। फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी फ्राई करें। अब हमने जो चना बॉयल करके रखा था ना, जो बाकी का चना था, वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल इसको आप इस तरीके से मिक्स कर लें। मसालों को अच्छे से मिक्स करके आपको इसको पकाना है स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। आप हाई फ्लेम करेंगे तो इसका पानी ना सूख जाएगा, तो आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रखें। इसमें ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, आधा चम्मच और भी, क्योंकि मैंने मसाले में नमक ऐड नहीं किया था, तो मैंने नमक अब डाल दिया है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, इसे ढक के, इसको ढक दें, ढक के पकाएं तो ताकि काफ़ी जल्दी पक जाएगा। इस तरीके से अगर आप पकाएंगे ढक के, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ढक दिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको ढक के इसको पकाना है। आइए चेक कर लेते हैं पका है या नहीं। पक गया, ये देखिए हमने यहाँ 5 से 7 मिनट इसे पकाया है स्लो फ्लेम पे और कलर चना काफ़ी अच्छे से पक गया है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। ये देखिए इस तरीके से अब हम ऊपर से थोड़ा सा ना हरा धनिया डाल देंगे, जिससे हमारा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी ना सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। आइए अब हम चावल बनाने की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें जीरा राइस बनाना है काले चने के साथ। वैसे तो आप काला चना आप रोटी पराठा या फिर पूरी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आइए राइस बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए एक बॉल मैंने राइस ले लिया, एक कटोरी मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिया है। आप कोई भी राइस ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिया है। अब हम इसे धो लेंगे 3 से 4 पानी से, ताकि इसका जो ऊपर का डस्ट होता है वो अच्छे से धुल जाए, निकल जाए और चावल काफ़ी खिला खिला बने। देखिए इस तरीके से आपको हाथों से मसल मसल के इसको धोना है। ये देखिए इस तरीके से आपको धोना है, ताकि इसका चावल बहुत ही अच्छा पकेगा। इस तरीके से अगर आप धोएंगे ना इसको, इसका डस्ट ऊपर का बिल्कुल ही निकल जाएगा। ये देखिए अगर आप चावल भिंगो कर रखना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए आप इसे भिंगो कर रख दें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने तो इसे भिंगो कर रखना है, तो मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए पानी डाल के भिंगो कर रख दूंगी। आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ 2 चम्मच। आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल या देसी घी भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही आप जीरा डालें, क्योंकि हमें इसमें चावल डालना है। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद आप डालें। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका था, मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। 1 तेज़पत्ता डाला है फ्लेवर के लिए। 2 से 3 मैं यहाँ पे लौंग डाल रही हूँ। ये देखिए 2 मैंने लौंग डाल दिया है, इससे फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आता है और चावल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक। तो ये देखिए मैंने डाल दिया था, हमने जो चावल भिंगो के रखा था ना, अब हमने इसमें चावल भी डाल देना है इस तरीके से। ये देखिए चावल डाल दिया। चावल को ना बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से इसे चलाना है, यानी मिक्स करना है। कम से कम 20 से 25 सेकेंड आपको इसे फ्राई करना है, जैसे चावल बहुत अच्छा बनेगा। तो हमें हल्के हाथों से इसे फ्राई करना है, ताकि चावल टूटे नहीं। और ये देखिए इस तरीके से हमें फ्राई करना है। अब हमने जिस कटोरी से चावल लिया था ना नाप के, उसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी डाल देंगे। आप 1.5 से 2 कटोरी पानी डाल सकते हैं। आप ध्यान रखें आप चावल किस बर्तन से नाप के ले रहे हैं, उसी नाप से आप पानी डाल सकते हैं। तो हमें इसे एक सीटी लगाना है हाई फ्लेम पे, बाकी हमें 2 से 3 मिनट इसे स्लो फ्लेम पे रख देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसे रख दिया है।
ये देखिए एक सीटी आ चुका है, अब हम इसे स्लो फ्लेम पर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद हम 2 से 3 मिनट बाद गैस को ऑफ करेंगे। कुकर को ओपन नहीं करना है, जब इसका गैस निकल जाए बिल्कुल उसके बाद हमें इसे ओपन करना है। तो ये देखिए चावल अच्छे से बन चुका है और काफ़ी चावल खिला खिला बना है। तो इसे काले चने के साथ सर्व करिए और काला चना और चना राइस को इन्जॉय करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त में, फैमिली में, और अपना सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आपके लिए बाय बाय।